चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण। व्यवस्थापन प्रक्रिया में योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन आते हैं। योजना बनाना होता है, फिर उसके बाद नियंत्रण कंट्रोल करना होता है और उसके बाद मूल्यांकन। ये तीन स्टेप है, उनको फॉलो करना होता है। तो योजना के बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी परिवार के सदस्य, संगठन होता है या अन्य कर्मी, और उसके बाद आता है नियंत्रण, जो कार्य है उन पर नियंत्रण करना, और लास्ट में आता है मूल्यांकन, अपने कार्य को मूल्यांकित करना। ठीक है, फिर नियंत्रण की बात आती है। तो बहुत से विद्वान हैं, सभी का मत अलग अलग है, और लेकिन फिर भी नियंत्रण को अच्छे तरीके से किसी ने भी परिभाषित नहीं किया हुआ है। अच्छा, इसमें नियंत्रण किसी भी चालू योजना की कार्यविधि का अध्ययन तो करता है, साथ ही नियंत्रण हम अपने निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए अपने उपलब्ध साधनों के प्रयोग को कैसे करें ये भी तय करता है कि अपने जो उपलब्ध साधन है वो प्राप्त कैसे किया जाए, लक्ष्य को पाने के लिए उपलब्ध साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए वो भी बताता है नियंत्रण। ठीक है, अच्छा, जैसे नियंत्रण प्रक्रिया का महत्व वहां अधिक होता है जहां योजना कोई बनाता है और क्रियान्वयन कोई करता है। जैसे योजना है, एक व्यक्ति योजना बनाता है और दूसरा व्यक्ति क्रियान्वित करता है, तो क्या योजना सफल होगी? उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रहेगी, लेकिन योजना बनाता है और वही व्यक्ति क्रियान्वित करता है तो सफल योजना लगभग सफल होगी। और यदि ऐसा होता है कि योजना कोई और बनाता है और क्रियान्वित कोई और करता है तो उसके लिए नियंत्रण आवश्यक है। तो उस योजना पर जो मैनेजमेंट है, व्यवस्थापन है, कार्य पर कंट्रोल करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति योजना बनाता है और दूसरा व्यक्ति उसे क्रियान्वित करता है तो उसके लिए निर्देशन में उसको नियंत्रण करना आवश्यक है। ठीक है, जैसे 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 उद्योग कारखानों में योजना प्रबंधक बनाते हैं, उसे क्रियात्मक रूप कौन देता है? मजदूर वर्ग देता है। इमारत या नक्शा इंजीनियर बनाता है और मजदूर कारीगर देते हैं, कार्य रूप मजदूर उसे करते हैं। कार्य योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं इस पर नियंत्रण रहता है। ठीक है, अब एक व्यक्ति ने बनाया कि ऐसे से काम होना है, दूसरे व्यक्ति ने उसे क्रियान्वित कर लिया, यानी एक ने इंजीनियर ने नक्शा बना दिया और मजदूर ने कारीगर ने काम करना स्टार्ट कर दिया, घर बनाना स्टार्ट कर दिया, तब उसके लिए क्या होगा? नियंत्रण आवश्यक है कि योजना के अनुसार, जिस योजना के अकॉर्डिंग बताया गया था कि यहाँ पर ये कमरे होंगे, यहाँ पर ये होगा, तो इस तरीके से वो काम हो रहा है या नहीं, तो इसलिए ये नियंत्रण, इस पर नियंत्रण रहता है। ठीक है, यही नियंत्रण है। अब नियंत्रण की तीन अवस्थाएं आती, कौन कौन सी? जब तीन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है नियंत्रण करना है, जैसे योजना बनाई गई, किसी और ने उसका क्रियान्वयन किया, तो जब क्रियान्वयन किया तो योजना के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं, तो हो रहा है, कार्य को सफल बनाना है, इसके लिए सबसे पहला आ जाता है अवस्था प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन, जैसे परिवार के सदस्य हैं वो कार्य कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन रूप कुछ देना चाहिए, कार्य के प्रेरणा या प्रोत्साहन की, आपने अच्छा किया, है ना। मजदूर जैसे कार्य कर रहा है, बना रहा है, जो इंजीनियर है उसने नक्शा प्रदान कर दिया और उसने, जो कारीगर है, मजदूर है, उसने बिल्डिंग तैयार करी, तो उसके लिए निर्देशन, जिसके जो मजदूर वर्ग है, ठीक है, जिसके निर्देशन में काम हो रहा है, तो मजदूर वर्ग को वो निर्देशित कर रहा है कि हाँ ऐसे से बनेगा, ये है, तो उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं, ये नियंत्रण है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जब वो कार्य करता है तो उसे प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हाँ इस तरीके से करें और ये आपने काम अच्छा किया, ये यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, तो ये अच्छा किया भी, जो जैसे कुछ काम अच्छा होता है तो बोलते हैं ना कि हाँ ये काम बहुत बढ़िया। फिर जांच, दूसरा स्टेप आता है जांच, ये भी देखना होता है कि कार्य सही हो रहा है या नहीं, है ना, कम समय में ये सब चीजें ध्यान देनी होती है, तो ये सब चीजें जांच बीच बीच में करनी होती है, चेकिंग करनी होती है। फिर आता है समायोजन, एडजस्टमेंट, और लास्ट में एडजस्टमेंट करना होता है। योजना के क्रियान्वयन करने पर कई बार बीच में नए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है,
पूर्व निर्णयों में कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, यही निर्णय प्रक्रिया में समायोजन की अवस्था बनती है। तो तीन स्टेप है उनके, प्रोत्साहन, जांच और समायोजन। चलिए, ये नियंत्रण यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मूल्यांकन को देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।